नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, दरअसल एक न्यूज आ रही है रसिया से। न्यूज ये है कि रसिया एक अपना प्रोजेक्ट बढ़ाना चाहता है भारत में व्यापार के रूप में। अब वो व्यापार भारत से जो अभी करता है, ये उसका रूट बहुत ही लंबा पड़ता है। भारत में अगर कोई सामान रसिया को भेजना है तो ये मान लीजिए 30 से 45 दिन का समय लगता है, क्योंकि वो यूरोप में आता है। रशिया आधा यूरोप में आता है, आधा एशिया में आता है। तो वो जो सामान भेजता है समुद्र के रास्ते से, तो ये मान लीजिए कि स्वेज कैनाल से होते हुए मेडिटेरियन सी से होते हुए अरेबियन सी और फिर उसके बाद इंडिया में आता है। तो ये बहुत लंबा रूट हो जाता है, वो 45 दिन तक का समय लग जाता है और इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है, दोनों तरफ से नुकसान होता है। तो रशिया को क्या है कि अभी उसका जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन से, तो उसके बाद उसके ऊपर लगा दिए गए बहुत सारे सैंक्शन। अब जब सैंक्शन लगा दिए गए तो वो अपना सामान यूरोप में बेच नहीं पा रहा है, तो अब उसको एक नई मार्केट चाहिए और नई मार्केट उसको एशिया में मिलेगी। एशिया में जो मेजर उससे ख़रीदने वाले हैं वो इंडिया ख़रीदेगा सामान, या चाइना या ईरान, यही ख़रीदेंगे मेनली, इंडिया और चाइना ही ख़रीदेंगे। अब इनको बेचना है, अब इन भारत और जब चाइना ख़रीदेंगे इनसे और इतना महंगा सामान मिलेगा और इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इनसे कोई ख़रीदेगा नहीं इतना ज़्यादा। फिर भी भारत ने इनसे कच्चा तेल बहुत ज़्यादा ख़रीदा है। अब तो फिर रसिया को कोई नया शॉर्टकट एक देखना पड़ेगा, कोई नया रास्ता देखना पड़ेगा। तो इसके लिए रसिया ने एक सोचा कि भारत तक के लिए रास्ता बनाने के लिए एक तरकीब सोची। उसने क्या है कि रसिया की बॉर्डर एक देश है अजरबैजान, उससे लगती है, और अजरबैजान की जो बॉर्डर लगती है वो ईरान से लगती है, और ईरान में भारत अपना एक बंदरगाह बना रहा है चाबहार पोर्ट के नाम से। चाबहार से मुंबई की दूरी बहुत ही कम है, तो भारत कनेक्टिविटी कर रहा है ईरान की। तो रसिया ने सोचा है तो क्यों ना हम भारत को जो सामान भेजना है वो हम अजरबैजान से होते हुए ईरान के अंदर पहुंचा दें, और ईरान के चाबहार पोर्ट से भारत के लिए सामान निकल जाएगा। तो इससे भारत को कम से कम टाइम सेविंग हो जाएगी 40% की, जो अभी 30 से 45 दिन का समय लग रहा है, इसमें 12 से 15 दिन और कम लगेंगे। और जो पैसा लगता है, अगर मान लीजिए 100 रुपये लगता है अभी खर्चा मंगाने का, तो 30 रुपये उसमें कम हो जाएंगे, 70 रुपये लगेंगे, मतलब कॉस्ट भी 30% की कमी आ जाएगी। तो इसके लिए रसिया ने एक प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया, जो काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, जो अभी यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद से फिर उसमें और तेज़ी लाई गई है। इन्होंने एक कैप्सियन की में सी में एक देश ईरान देश के अंदर एक शहर है अस्तारा, और अस्तारा से करीब 162 किलोमीटर की दूरी पे एक दूसरा शहर है रस्त। ये दोनों ही शहर है तो ईरान के अंदर, लेकिन एक जो अस्तारा है ये अजरबैजान की बॉर्डर से लगता है, और उसका भी किनारा कैप्सियन सी पर है, कैप्सियन सी, और दूसरा जो किनारा है वो भी कैप्सियन की पे ही सी पर ही है, और उसका नाम है रस्त। तो इन दोनों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है रेलवे से। जब इतना जुड़ जाएगा तो मान लीजिए अजरबैजान और रशिया और ईरान, इनकी कनेक्टिविटी बन जाएगी। अजरबैजान और रसिया की ईरान की कनेक्टिविटी बिल्कुल हो जाएगी वहाँ से रेलवे के थ्रू, और वहाँ से फिर बाय रोड सामान चला आएगा चाबहार बंदरगाह में, ईरान के अंदर ही है जो चाबहार, और चाबहार से फिर सी के रास्ते समुद्र के रास्ते भारत में आ जाएगा सामान। ये है पूरा प्रोजेक्ट रसिया का। क्या है कि अजरबैजान किसी समय USSR का पार्ट हुआ करता था, USSR मतलब रसिया का ही हिस्सा था। फिर जब USSR टूट गया तो अजरबैजान अलग देश बन गया, तो इसकी वजह से वो USSR था तो उसके पास रोड की कनेक्टिविटी और रेलवे की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, ऐसे रसिया के पास भी बहुत अच्छी है, लेकिन ईरान के पास वो कनेक्टिविटी नहीं थी। तो इसीलिए रसिया ने सोचा कि अगर ये 162 किलोमीटर की कनेक्टिविटी और कर देते हैं तो ये सामान बहुत ही ईजिली इंडिया तक पहुंच जाएगा, जिससे वो अपना व्यापार बहुत अच्छे से इंडिया के साथ कर सकता होगा। अब ये समझ लीजिए कि ये जो प्रोजेक्ट है 162 किलोमीटर जो रेलवे ट्रैक बिछाना है, ये करीब करीब $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट है। अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो ये करीब 14-15 हज़ार करोड़ रुपए की बात है, इतना पैसा रशिया खर्च करने जा रहा है।
और ये जब कर देगा तो बहुत भारत की सेविंग होगी और भारत इससे एक और फ़ायदा ले सकता है। ये जो कनेक्टिविटी है, अभी भारत जो चाबहार पोर्ट अपना डेवलप कर रहा है वो इसलिए डेवलप कर रहा है ताकि भारत चाबहार तक अपना माल पहुंचाए, फिर ईरान की रोड के रास्ते से वो अफ़गानिस्तान में माल सप्लाई कर दे, अफ़गानिस्तान से माल सप्लाई करने के साथ ही साथ फिर सेंट्रल जो एशिया कंट्री हैं, सेंट्रल एशिया, ये उधर अपना माल उन देशों को बेचना चाहता है भारत, तो इससे भारत को भी बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि इसको अगर हम जो रसिया का रूट है इसको चाबहार को भी उसी रूट में अगर जोड़ देते हैं तो भारत का भी व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा सेंट्रल एशिया में। सोचिए कि कितना ज़्यादा टाइम भी सेव होगा और पैसा भी बचेगा और दूसरों को हम इजीली अपना व्यापार उनके साथ कर सकते होंगे, इससे मतलब भारत को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। दोस्तों इससे अब डेवलपमेंट और भी इसमें होगी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।